भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण श्रद्धा अडवाणी जी जोशी जी सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण और सभी आदरणीय सांसदगण मैं सबसे पहले तो हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना एनडीए के भी सभी सांसदों ने और एनडीए के सभी दलों ने भी इसका समर्थन किया और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं ये हमारे सेंट्रल हॉल की यह घटना ये असामान्य घटना है हम आज नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं देश की राजनीति में जो बदलाव आया है अपने अपने स्तर पर आप सभी ने इसका नेतृत्व किया है आप सभी इस बदलाव की प्रक्रिया के बहुत बड़े साक्षी भी हैं आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं लेकिन विशेष रूप से जो पहली बार चुन करके आए हैं वे विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं और इसलिए मैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं पूरा विश्व का ध्यान भारत के इस चुनाव में था ये चुनाव कितना बड़ा होता है कितना व्यापक होता है इसकी व्यवस्थाएं कितनी बहुत होती है ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है और इस काम को चुनाव आयोग ने राज्यों के चुनाव आयोगों ने सरकार से संबंधित सभी छोटे मोटे मुलाजिम अधिकारी सुरक्षा बल इन सब की एक कठोर परिश्रम का यह कालखंड होता है सुचारू रूप से भारत के लोकतंत्र के उस उत्सव को विश्व के सामने और अधिक प्रतिष्ठित बनाने के लिए योगदान देने वाले उन सभी का भी इस सदन में आप सब के माध्यम से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर भारत में तो चुनाव अपने आप में एक उत्सव था मतदान भी अनेक रंगों से रंगा हुआ था भरा हुआ था लेकिन विजयोत्सव उससे भी अधिक शानदार था न सिर्फ भारत में लेकिन पूरे विश्व में फैले हुए भारतीयों ने और भारत प्रेमियों ने भारत के इस विजयोत्सव में जिस बढ़ चढ़ के उमंग और उत्साह के साथ दुनिया भर में हिस्सा लिया है ये अभी अपने आप में हम सबके लिए गर्व का अवसर है मैं विश्व भर में इस उत्सव को मनाने वाले इस चुनाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष जुड़ से जुड़े हुए उन सबका भी अभिनंदन करता हूं साथियों प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है और जिम्मेदारियों को शहर स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं उसके लिए नई ऊर्जा के साथ नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है लेकिन भारत के लोकतंत्र को हमने समझना होगा भारत का लोकतंत्र भारत का मतदाता भारत का नागरिक उसका जो नीर क्षीर विवेक है शायद कोई मानदंड से उसको नापा नहीं जा सकता है और दिन ब दिन भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर्ड होता चला गया है कि आज हम कह सकते हैं कि सत्ता पावर सत्ता का रुतबा भारत के मतदाता को कभी प्रभावित नहीं करता है सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है और न ही उसको पचा पाता है मजबूरन कभी सहन कर ले लेकिन स्वीकार नहीं करता है सम्मान तो कभी नहीं देता है लेकिन इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो सर झुका करके स्वीकार करता है और इसलिए चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनप्रतिनिधि बनकर के आए हों चाहे एनडीए के आए हों जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवाभाव के कारण सत्ता के गलियारों में रहने के बावजूद भी सत्ता भाव से अलिप्त रहना इसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है और जितनी प्रबल मात्रा में सेवा भाव को उजागर करेंगे सत्ता भाव सिमटता जाएगा और जैसा जैसा सत्ता भाव सिमरता जाएगा जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा और इसलिए रामकृष्ण परमहंस का एक ही संदेश रहता था कि जीव में ही शिव है और इसलिए जीव मात्र की सेवा वो शिव की सेवा से कम नहीं है यह सेवा भाव हमारे लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है उससे बड़ा कोई दिशा नहीं हो सकती है आज एनडीए के भी सभी वरिष्ठ साथियों ने आशीर्वाद दिए हैं और आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना है मैं इसे एक व्यवस्था का हिस्सा मानता हूं मैं भी बिल्कुल आप में से एक हूं आपके बराबर हूं और हमें कंधे से कंधा मिलाकर के चलना है एनडीए के यही तो ताकत यही विशेषता है हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए गलती हो जाए तो एक सर ऐसा चाहिए कि चोट आए तो वही झेल ले ताकि बाकी कंधे सलामत रहे उस चेट के झेलने के लिए आपने मुझे आज बिठाया है तो मैं मैं भी अपने आप को उसी रूप में सज्ज करने के अविरत प्रयास करूंगा और आपके विश्वास पर मैं जरूर खरा उतरूंगा इस चुनाव में एक बहुत बड़ी विशेषता है आमतौर पर आचार्य विनोबाजी भावे इस विषय को बार बार कहते थे और वो चाहते थे सहमति की राजनीति के एक पक्षकार रहते थे चुनाव बांट देता है दूरियां पैदा करता है दीवार बना देता है खाई पैदा कर देता है लेकिन 2019 के चुनाव ने दीवारों को तोड़ने का काम किया है दो के चुनाव ने दिलों को जोड़ने का काम 2019 का चुनाव एक प्रकार से सामाजिक एकता का आंदोलन बन गया समता भी ममता भी समभाव भी ममभाव भी ये समभाव और ममभाव का वातावरण ये समता और ममता का वातावरण इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है और इसलिए शायद भारत के लोकतांत्रिक जीवन में चुनावी परंपरा में देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी हैं हम रचयिता ऐसा दावा नहीं कर सकते हम साक्षी हैं साक्षी भाव से अगर इन चीजों को देखेंगे समझेंगे तो जनसामान्य जो आशा अपेक्षा आकांक्षा है हम भी हमारे जीवन को उसको और मजबूत बनाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे कई लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड़ बना भाई चुनाव आया है वोट देना है किसी को काम देना है मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया अच्छा भाई चलो ये तुमको पांच साल के लिए दिया तुम ये करके दो और नहीं दिया चल जा दूसरा आ जाइंड लार्च हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था इस बार देश भागीदार बना है सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है कभी कभी हमसे दो कदम आगे चला है 2014 से 19 उसने भागीदारी की जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल के लिए से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो और इस देश के सवा करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है उससे ज्यादा सवा सौ करोड़ देशवासियों ने किया है और उसी का परिणाम है कि यह चुनाव प्रो आम आमतौर पर एंटी इंकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है कभी संगठन में राजी नाराजी, नाराजी होती है कभी वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है बहुत कुछ होता है और वो एक प्रोफेशनल हजार भी है हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही जाता है लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है ये प्रो इंकम्बंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है विश्वास की डोर से सामर्थवान बना हुआ है और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच नहीं जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी बेउ पाता हुआ है और इसके कारण ये चुनाव पॉजिटिव वोट का चुनाव है फिर से सरकार को लाना है फिर से सरकार को काम देना है फिर से सरकार को जिम्मेवारी देनी है इन लोगों के माध्यम से देश को यहां ले जाना है इस सकारात्मक सोच ने ये इतना बड़ा जनादेश दिया है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जो पंडित हैं आज शायद उतना उनका चित्र अभी हो सकता है धुंधला हो क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव भी रहता है लेकिन जब शांत मन से सोचेंगे ये धुंधलाहट हटेगी तो ये सकारात्मक शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है और उसको चैनलाइज करने की दिशा में अगर लोग जुड़ेंगे मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे न सिर्फ सरकार सवा सौ करोड़ देशवासियों का संकल्प और पुरुषार्थ और परिश्रम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं सार्वजनिक जीवन में निराश कर देती है कोई एकाध निर्णय किया हो और पचाने चारों तरफ से अगर आंदोलन खड़ा हो जाए या अखबार में हेडलाइन आजार चौबीस घंटे टीवी पर दिखाई दे तो अच्छे अच्छे ही जाते हैं लगता है यार क्या होगा पता नहीं डर लग जाता है चुनाव चला रहे क्या होगा यार कैसे जाऊंगा मतदाताओं के बीच में क्या आमतौर पर वातावरण बना हुआ है लेकिन आपने देखा होगा हिंदुस्तान के मतदाता में जो नीर क्षीर विवेक है उसकी ताकत देखिए ऐसा नहीं है कि काम करते करते राजी नाराजी नहीं होती है ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है जो कुछ नहीं करते उनके लिए तो ठीक है कि भाई ना कोई न राजी है ना नाराजी है जो करता है उसके लिए सब कुछ होता है लेकिन परिश्रम की अगर पराकाष्ठा हो और ईमानदारी के विषय में जरूरती भर भी संशय ना हो तो देश उसके साथ चल पड़ता है इस देश ने दिखा, दिखा। यह देश यह देश परिश्रम की पूजा करता है यह देश ईमान को सर पे बिठाता है और यही इस देश की पवित्रता है इस पवित्रता को लेकर के चलना उस पवित्रता को समर्पित होना यह हमारा भी दायित्व तो बनता है क्योंकि जन सामान्य की जो नीर क्षीर विवेक है उसकी कसौटी के यही मानदंड होते हैं और मुझे विश्वास है कि हम सब आने वाले दिनों में इन इनको लेकर के पक्का परिणाम ला सकते हैं और हम आगे भी बढ़ सकते हैं जनता ने हमें इतना बड़ा आदेश दिया है स्वाभाविक है थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है स्वाभाविक जरा माथा ऊंचा हो जाता है हम्म, तुमसे अच्छा तुम्हारे गांव वाले मेरे साथ ये किया था जनप्रतिनिधि को ये सोचने का हक नहीं होता है जनप्रतिनिधि के लिए एक दायित्व तो होता है और मैंने आज संविधान को नमन करते हुए जब आपसे बात करता हूं तब जनप्रतिनिधि के लिए कोई भेद रेखा नहीं हो सकती है जो हमारे साथ थे हम उनके लिए भी हैं जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं उनके लिए भी हैं जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है हम उनके लिए भी हैं और जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी हैं और इसलिए मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और तभी तो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र पूरे विश्व ने स्वीकार किया है विश्व के नेता उसका ट्रांसलेशन करके मुझे कहते कि इसको जरा सब जाइए यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक सिद्धांत हमारा है सबका साथ सबका विकास और इसलिए जनप्रतिनिधि से मेरा आग्रह रहेगा शासक के रूप में तो हमारी जिम्मेवारियां है ही है संविधान ने हमें जिम्मेवार दी है लेकिन जनप्रतिनिधि के नाते एक मानवीय संवेदनाओं के साथ अब हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है और आप देखिए उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है जी कभी अनुभव करके देखिए दिलों को जीतने की कोशिश करें इस बार के जनादेश की कई विशेषताएं हैं 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट मिले थे और 2019 में जितने वोट मिले हैं उसमें जो वृद्धि हुई है करीब करीब 25 परसेंट करीब करीब 25 परसेंट लेकिन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर ये देखें हम तो अमेरिका के चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जितने वोट मिले थे उतना हमारा इंक्रीमेंट है <laughs> यानी स्केल देखिए आप, कितना बड़ा स्केल है यह भारत के लोकतंत्र की ताकत देखिए और सत्रह राज्य सेवेंटीन जहां के मतदाताओं ने फिफ्टी परसेंट या फिफ्टी परसेंट से ज्यादा वोट दिया ये वे वगैरह सारे शब्द जी मैंने बहुत छोटे लगते हैं और मुझे जब किसी ने पूछा था तो मैं, मैं चुनाव ये चुनाव अभियान में मैं, मैं अनुभव कहता हूं मेरा अपना और ये शब्दों में मैं अभिव्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा मैं जब इस चुनाव अभियान में जा रहा था मैं कहता रहे ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे थी न मेरी पार्टी लड़ रही है न मेरा उम्मीदवार लड़ रहा है न मोदी लड़ रहा है ये चुनाव मैं देख रहा हूं देश की जनता लड़ रही है जी तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा फिर आप इतना दौरा क्यों करते हैं मैं वोट मांगने के लिए नहीं दौरा कर रहा हूं मैं उनका धन्यवाद करने के लिए निकला हूं और मैं अनुभव करता था जी मैं मेरे जीवन के कई पड़ाव रहे हैं के जीवन की एक अलग दुनिया से मैं आया हूं और इसलिए मैं इन चीजों को बहुत भली भांति बहुत मेरा जो ईश्वर ने जो मेरे शरीर की मन की बुद्धि की आत्मा की रचना की है उन चीजों को बहुत तेजी से पकड़ती है और इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैंने इतने चुनाव देखे इतने चुनाव में हार जीत तू तू मैं मैं सब कुछ देखा है लेकिन मैं कह सकता हूं मेरे जीवन में 2019 का चुनाव ये एक प्रकार से तीर्थ यात्रा थी ये चुनाव अभियान नहीं था जी और जब हम शब्दों में कहते हैं जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है शायद हमारे सांस्कृतिक विरासत के अंदर ये शब्द मिले होंगे मैंने अपनी आंखों से अपने हृदय से अपने आत्मा से अपनी बुद्धि से अनुभव किया है कि जनता जनार्दन ईश्वर का रूप होता है और मैंने अनुभव किया है कि इस बार का मेरा भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा के समान था एक नई ऊर्जा नई शक्ति नया स्पंदन ये प्राप्त कर करके हम सब लोगों को अवसर मिला है जी और इसलिए ये चुनाव अपने आप में एक बहुत बड़ी यानी वैश्विक दृष्टि से जरूर चर्चा होगी कि दुनिया का इतना बड़ा लोकतंत्र इतना बड़ा आजादी के बाद पहली बार इतना वोटिंग हुआ है जी इस चुनाव में इतना परसेंटेज आजादी के बाद इतने लोकसभा के इतने चुनाव में इतना परसेंटेज वोटिंग इसके पहले नहीं हुआ है। अपने आप में बयालीस पैतालीस इन दिनों जो विदेश के मुझे फोन आते हैं विदेश के नेता पूछना चाहते हैं जरा उनको जिज्ञासा रहती है बधाई तो देते हैं और जब मैं उनको कहता हूं 40 पैंतालीस डिग्री टेम्परेचर ते, में वोट करने जाते हैं तो बड़ा अजूबा लगता है ये कैसा है कि 40-45 डिग्री में कतार में खड़े रहकर के वोट डालने जाता है और इस बार माताओं बहनों ने कमाल कर दिया है जी अगर। 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 और आपने कभी मेरे पुराने इंटरव्यू देखे होंगे मेरे भाषण सुने होंगे तो मैं हमेशा एक बात मेरे भीतर से निकलती है कई लोग मुझे कहते हैं आपके ऊपर इतने राजनीतिक बार होते हैं आपके लिए सिक्योरिटी की इतनी समस्याएं होती हैं पोलिटिकली इतने वार होते हैं और मैं एक ही बात कहता कि भाई देखिए जो होता है होता है लेकिन इस देश की मातृशक्ति मेरी रक्षा कवच है इस चुनाव में हिंदुस्तान में पहले हमेशा पुरुषों की तुलना में महिलाओं के मतदान पांच परसेंट सात परसेंट कम होता था इस बार महिलाओं ने बराबरी कर दी है अगली बार देखना आगे निकल जाएगी <laughs> इतना ही नहीं 2014 में हमारे नाम एक रिकॉर्ड था मेरे मैंने, मैंने बहुत शुरू शुरू में इस चुनाव में मैंने इंटरव्यू मुझे पूछा गया था आपकी चुनौती क्या है आप, आप आपका चैलेंजर कौन है ऐसे साथ मुझे पूछ था तो मैंने जवाब दिया था मोदी ही मोदी का चैलेंजर है ये मैंने जवाब दिया था अचानक सवाल आया था अचानक जवाब दिया था लेकिन आज मोदी ने मोदी को चैलेंज कर दिया और 2014 के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 2014 में लगता था कि महिला एमपी की संख्या हमारी काफी बड़ी है इस बार हमने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। और भारत की आजादी के बाद पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में महिला एमपी बैठने की पहली घटना हो गई ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हमारी मातृशक्ति के द्वारा हुआ है ये बात हम मान करके चले कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए गठबंधन की राजनीति को हमने हमने अपने आदर्शों और सिद्धांतों का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा कोई एक दल कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए लेकिन राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए और अटल बिहारी वाजपेयी जी की हिंदुस्तान की राजनीतियों के सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने गठबंधन की राजनीति को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया आज इस समारोह में उनकी तस्वीर हमें आशीर्वाद दे रही है और एनडीए एक विश्वस्त आंदोलन बन गया है देश के अंदर गठबंधन की राजनीति में टेम्परे खेल नहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत साथ चलने के पूरे इरादे के साथ और वो सिर्फ बीजेपी कुछ कॉम्प्रोमाइज करते ऐसा नहीं सब लोग छोड़ते हैं साथ ही दल सब कोई कुछ न कुछ छोड़ते हैं और उसमें से शक्ति पैदा हो रही है और इसलिए मैं समझता हूं कि एनडीए इस प्रयोग को हमें और अधिक सशक्त करना है और यह बात देश की जनता ने 303 दी है उसके बाद में कह रहा हूं तब मेरा कमिटमेंट कितना है इसका आप अंदाज कर सकते मैं भारत का भावी चित्र जो देख रहा हूं भारत की एकता अखंडता भारत के विकास के अंदर इन शक्तियों को जोड़ने के पीछे मेरा सीधी सीधी समझ है दो प्रमुख ये हमारी गति की जो दो प्रमुख पटरी है जिस पर ये एनडीए देश को आगे ले जाना की ताकत रखता है और सफलतापूर्वक ताकत रखता है उस दो पटरी एक है रीजनल एस्पिरेशंस और दूसरी है नेशनल एम्बिशन इन दोनों का मेल ये दोनों की पटरी पर देश विकास की गति को पकड़ता है भारत जैसे देश में नेशनल एम्बिशन उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी देश को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है लेकिन रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति उपेक्षा देश के लिए नए संकट पैदा कर सकता है और इसलिए प्रबल नेशनल एम्बिशन के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस के प्रति संतुलित सकारात्मक हमारा आचरण इन मूलभूत सिद्धांतों के रूप में एनडीए को चलाया है और जैसे नारा कहते हैं नारा स्लोगन लेकिन ये अपने आप में एक नारा है नेशनल एम्बिशन एन ए रीजनल एस्पिरेशन आर ए नारा एन ए आर ए और इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है हम सबने देखा है कि एनडीए की विशेषता क्या है दो चीजों को लेकर के पॉलिटिकल पंडितों को इस बात को समझना होगा अटल जी अडवाणी जी जोशी जी उस कालखंड से जो यात्रा शुरू हुई अटल जी के आशीर्वाद से उसमें सबसे बड़ा लुब्रिकेटिंग एजेंट जो है वो है विश्वास और उसको आगे बढ़ाना हम लोगों का दायित्व है पीढ़ी बदल गई है बादल साहब एक हमारे पास अडवाणी जी पुराने लोगों में बाकी बाड़ा साहब नहीं है उद्धव से चला लेते हैं अटल जी नहीं है मोदी को भुगतना पड़ता है <laughs> लेकिन फिर भी उस महान विरासत उन संस्कारों के कारण हम इसको और ताकतवर बनाते चले जा रहे हैं और दो चीजें मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कभी ना कभी तो देश के पॉलिटिकल पंडित देखेंगे एनडीए के पास दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारी अमानत है एक है एनर्जी एनडीए का दूसरा नाम है एनर्जी और दूसरा है सिनर्जी ये एनर्जी और सिनर्जी एक ऐसा केमिकल है जिसको लेकर के हम सशक्त और सामर्थ्यवान हुए हैं जिसको लेकर के हमें आगे चलना है पार्टी की अपने विचारधारा है पार्टी अपने मैनिफेस्टो है पार्टी अपना कार्य संस्कृति है और तभी तो अलग पार्टियां हैं लेकिन भारत जैसे उज्जवल भविष्य के लिए और भारत के लोकतंत्र के लिए इन सबको जोड़ करके चलना ये समय की मांग है और उसमें आज सफलतापूर्वक अगर कोई गठबंधन चले हैं जिसके हित में जिसके ध्यान में संपूर्णपणे हिंदुस्तान का ही भविष्य प्रायोरिटी है बाकी सब बाद में है उसी का परिणाम है कि हम इसको प्राप्त कर पाए इसे हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ाने में हमें बहुत सफलता मिलेगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कभी कभार अगर पिछले दो पांच साल का कार्यकाल देखें इसके लिए हमें किसी और को दोष देने की जरूरत नहीं है लेकिन एक छोटी सी जल्दबाजी या वनपमैनशिप का बोड़ इतने बड़ी तपस्या को इतने बड़े पुरुषार्थ को डिलेर करने के लिए ताकत रखता है 2014 से 19 का कार्यकाल जो रहा हम चर्चा में इसलिए नहीं रहे कि कुछ गलत किया नहीं कोई ऐसा सरकार के प्रति मिनिस्टर के प्रति डिपार्टमेंट के प्रति ऐसा कोई कोई तूफान खड़ा नहीं हुआ गोर विरोधी भी नहीं खड़ा पाए लेकिन अगर मसाला दे दिया किसी ने तो हमने दिया जो बड़बोलापन होता है और वो टीवी के वो नंदे में पता नहीं क्या ताकत होती है खोल देता है मुंह तुरंत कुछ भी बोल देते हैं और जो बोलते हैं तो वो चौबीस अड़तालीस घंटे तक उनकी दुकान चलती है और हमारी परेशानी बढ़ती है हम सब जब आए हैं तब क्या हम इस बात में तय कर सकते हैं और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि जब तक सुबह उठकर के राष्ट्र के नाम संदेश नहीं देते हैं को चैन नहीं होता है अच्छा मीडिया के लोगों को भी पता होता कि छह नमूने है वहां सुबह पहुंच जाओ गेट के बाहर खड़े रहो निकले कुछ तो बोलेगा कल्पना बाहर का नुकसान हमें होता है इससे ऐसी ऐसी चीजें हमारे खाते में जमा हो जाती है जिसका हमारा कोई लेना देना है। सदन चलने के बाद मैं कुछ कहूंगा तो किसी को लगेगा कि शायद ये मेरे लिए कहा आज बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में मैं कहता हूं कि हम सब इन चीजों से बचे हमारे उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूर, यहां भी देखना आज बहुत लोग आपको हंटिंग करते होंगे पहली बार आए हैं और शुरू में तो इतना बढ़िया पूछेंगे ना, और अटल अडवाणी जी जब पार्टी के नेतृत्व करते दो चीजों से बचने के लिए कहते थे वो कहते थे दो चीजों से बचना चाहिए एक छपास और दूसरी दिखाश छपने का जो मोह होता है वो और टीवी पे दिखने का जो मोह होता है इससे अगर बच के चलते हैं तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं खुद को तो बचा सकते हैं और बचा सकते हैं। और इसलिए आज भी देखा होगा आपने कई लोग आ होंगे अच्छा बताइए कैसा लग रहा है पहली बार जीत करके आए कैसे लगता है आपके सपने क्या है फिर धीरे से पूछेगा आपके इलाके के लिए क्या कहना चाहेंगे फिर हमको भी लगा हां देश देखेगा इस भ्रम में न रहे जी वो शुरू में जो आपको मैग्नेटिक पावर से खींच रहा है और धीरे धीरे ऐसा नशा फैल जाता है कि हम उसके शिकार हो जाते हैं ये बहुत आवश्यक है कि हम जितना इन चीजों से अपने आप को बचा सकते हैं कभी कभार तो कोई कहे कि हमने ऐसा सुना है आपका क्या कहना है तो भाई क्या ठहरो एक घंटे के बाद बात करते हैं मैं पहला जांच करूं सचमुच में क्या हुआ है वरना मूल बात बाजू में रह जाएगी फिर आपका बयान आपके बयान पर दूसरे का बयान दूसरे पर तीसरे का और रात पढ़ते बढ़ते बढ़ते मूल बात चली जाएगी और जिसने क्या कहा उस पर खेल चलता रहता है वो बुरा करते ऐसा मैं नहीं मानता उनको दोष देने की जरूरत नहीं है हमारा मोह हमें संकट में पैदा डालता है और इसलिए नए जो साथी हमारे आए हैं और पुराने के भी मेरा ये बहुत आग्रह है कि हम इन चीजों से बचें क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा जी देश माफ नहीं करेगा हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और हमें इन जिम्मेवारियों को निभाना है दूसरा ये भी समझ समझने चलिए कभी कभी आपको ऑफ आप द रिकॉर्ड बात करने के लिए लोग आते हैं दुनिया में कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है भ्रम में मत रहिए जी कुछ भी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता है और आजकल किसी के जिम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है पता ही नहीं होता है और बाद में फिर वो हवा डाल देता है जी इन चीजों से बचना ही हम लोगों का दायित्व है और ये मैं सार्वजनिक रूप से इसलिए कहता हूं क्योंकि ऐसी छोटी 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 चीजें हमें परेशान करती रहती है कितने ही बढ़िया निर्णय कितने ही बढ़िया मेहनत काम किया हो और कहीं कोने में का हो गया खेल पूरा उनको बड़ा मजा आ जाता है जी क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जी वो सत्तर साल किसी और ने पाला हुआ है जी वो तो हमें कौन कौन स्वीकार करेंगे जी और इसलिए हमारी शिकायत उनके लिए नहीं है हमें पता है कि उनका ये कारोबार है हमें अपने आप को संभालना है हमारी वाणी से वर्तन से आचार से व्यवहार से हमें आप, आपको बताना होगा कभी कभार हमारे मन में यह आ जाता है कि हम अब तो एम हो जाता है लेकिन हम याद रखें कि हमारे बराबर के कई दावेदार थे हम याद रखें कि लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने और चार चार पीढ़ी के पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज हमें यह अवसर मिला है और इसलिए हमारे भीतर का कार्यकर्ता जिंदा रहना चाहिए थोड़ा सा भी अहंकार अपने आस पास के सबको दूर कर देता है जी। और फिर हमें भी आदत हो जाती है एक नए नए से मंडल के भीतर अपनी जिंदगी गुजारने की हमें उससे बचना चाहिए आप नए सब साथी हैं और मेरा दायित्व तो बनता है कि इन सब कंट्रोल के सामने आपको सचेत करना ताकि मुझे कभी जीवन में पछतावा न हो अरे उसके साथ ऐसा हो गया अरे यार मैंने पहले बता दिया होता तो अच्छा होता तो कम से कम मुझे दुख न हो आज तो मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं ताकि मैं कह सकूं यार मैंने तो कहा कभी संभालना तो दो साल एक तीन साल के बाद अगर कि किसी के जीवन में कुछ होता है तो जरूर मेरे शब्द उसको काम आएंगे और मैं समझता हूं कि अहंकार को जितना हम दूर सकते हैं रखना चाहिए कभी कभार हमको लगता है समूह में तुम क्या कह रहे साहब पार्टी ने जिता दिया लोगों ने बहुत मेहनत की है थोड़े दिन के बाद तो साहब मेरा अपना इतना ताकत है जी मेरा इतना संपर्क है इतने सालों की पुण्य ही है तो जितना ही था मुझे धीरे धीरे आ जाएगा देर नहीं लगती है जी हमें कर, मान के चले साहब न हम हमारी हैसियत से जीत करके आते हैं न कोई वर्ग विशेष हमें जिताता है न कोई जाति समुदाय हमें जिताता है न ही मोदी हमें जिताता है हमें सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता जीताती है हम जो कुछ भी हैं मोदी के कारण नहीं है जनता जनार्दन के कारण है हम जो कुछ भी हैं हमारी अपनी योग्यता के कारण है ऐसा भ्रम में हम ना आए हम जो कुछ भी है जनता जनार्दन के कारण है और हमें जन आदेश मिला है जन आदेश हमें उस जन का सम्मान करना है और उस जन के आदेश का पालन करना है और उसमें हम एक पल के लिए भी हमें एक दूसरे से अलग होने का कारण नहीं है और उसी भाव से हमें चलना चाहिए हम लोग जानते हैं गर्भनाल मां के गर्भ में बच्चा होता है क्योंकि नली के माध्यम से उसका जीवन चलता है सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के लिए व्यक्ति का जनता के साथ संबंध उस गर्भनाल का जैसा मां और बच्चे का होता है वैसा होना चाहिए वहीं से शक्ति मिले वहीं से जीवन मिले उस भाव को कभी हमने छोड़ना नहीं चाहिए और उसी को लेकर के हमने आगे बढ़ना चाहिए आपको अनुभव आ जाएगा थोड़े दिन में अभी तो मुझे सबकी सूची कौन जीत करके आए हैं कौन नहीं आए हैं सारी चीजें अभी तो देखना मेरा बाकी है लेकिन इस देश में बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी पैदा हो गए हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल बना दिया है और अगर सबका टोटल लगाएंगे तो शायद एक पांच पचास एमपी रह जाएंगे जो जो मंत्री के लिस्ट में नहीं आएंगे और ये सबसे बड़ा संकट होता है फिर हमको भी कहना है यार उस अखबार में आया है जरूर मेरा नंबर लगेगा मैं इतना हैरान हूं जी आजकल लोग झूठे फोन करते हैं मैं पीएमओ से बोल रहा हूं आपका नाम तय हो गया है आप दिल्ली आ जाइए अच्छा वो नया होता है वो आवाज भी पहचानता नहीं वो भी बांध देता है जी मैं कृपा करके कहता हूं ये जो मीडिया वाले नाम चला रहे हैं वो सरासर भेद पैदा करने के लिए कर रहे हैं भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं अफवाहें फैलाने के लिए कर रहे हैं अपने बद इरादों की पूर्ति के लिए कर रहे आप इस भ्रम में कभी मत आइए कुछ तो लोग आएंगे अरे यार मैंने तो तुम्हारा कंप्यूटर पे नाम देखा था रात को नौ बजे नाम था यार राष्ट्रपति की यहां लिस्ट गई तुम्हारा नाम क्यों नहीं आया यहां तक तो जैसे मेरे बगल में बैठ करके बना रहा है मैं लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह के आया हूं पांच साल यहां रह के आया जा रहा हूं देखिए जी ऐसा कुछ नहीं होता है जी ये कोई अगर आपको सुना दे तेरा तो तय है और वो तुझे करवा देगा वो मिला कुछ होना नहीं है जी जो कुछ भी होगा जो नॉर्म्स तय होते हैं नॉर्म्स के आधार पर होता है न कोई अपना है ना कोई पराया है जो जीतकर का है सारे मेरे हैं मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है दायित्व तो बहुत कम लोगों को दे सकते हैं और इसलिए कृपा करके कोई पहुंच जाए कि मेरा तो खास है चलो कर देता हूं चक्कर में मत पड़ना भाई अखबार में टीवी में आ जाए तो उसको फोन जा बंद कर दो तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो वरना ये बड़ा मुझे तो याद है मैं गुजरात में सीएम था हमारे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आ गए अहमदाबाद मैं पहले छत्तीसगढ़ का प्रभारी था पार्टी का, का, का काम करता तो परिचय बहुत था तो कैसे आना हुआ तू बोले कल आपका फोन आया था क्या मैंने तो कोई फोन नहीं किया तुझे तो बोले आपका फोन आया था इसलिए मैं आया तो बोले वहां तो सरकार बन रही है और मुझे बताया गया कि मोदी जी बुला रहे हैं और मोदी जी कहेंगे वही सरकार बनने वाली है अब कहा मैं गुजरात में मुख्यमंत्री और कहा रमन सिंह <laughs> कोई कोई देना नहीं था लेकिन उसको बेचारे को इतना खर्चा करके दौड़ाया अच्छा वो भी भरोसे के संगठन पर भरोसा करने वाले लोग थे तो उनको लगा कि साहब मेरे लिए कोई सूचना होगी तो आ गए कोई मोह के कारण नहीं आए थे डिसिप्लिन के कारण आ गए थे मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपको गुमराह करेंगे आपने इससे बच रहना है सरकार और कोई बनाने वाला नहीं है जिसकी जिम्मेवारी है वही बनाने वाले हैं अखबार के पन्नों से न मंत्री बनते हैं न मंत्री पद चले जाते हैं दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कैरेक्टर नहीं है और इसलिए कृपा करके शपथ समारोह तक मेहरबानी करके इन चीजों में कोई भरोसा मत करना और आपको फोन आ भी जाए ऑफिशियल जब जा आए तब भी वेरीफाई कीजिए क्योंकि वर्रा ये चीजें हैं जो बड़ा ही नई नई मुसीबतें कर देती हैं और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग इन सारी बातों को ध्यान में रखें एक और संकट आता है जो नए लोग आए हैं उनको तो तुरंत अनुभव आएगा जब आप पहले घर से निकलते थे तो ऑटो रिक्शा वाला भी आपके सामने देखता नहीं था टैक्सी वाला भी सोचता था कि इनको कहाँ ले जाऊंगा तो आता नहीं था अभी आपने देखा होगा स्टेशन कुछ ऐसी गैंग रहती है वो सीधी एयरपोर्ट अरे आई आइए नमस्ते आप वहां से जीत के आए आई आई आइए अरे गाड़ी रेडी है न पहले आपने देखा ना देखा कैसे आ गया भाई वो ये दिल्ली की एक दुनिया है जी और वो आते ही आपको इतना प्यार करेंगे आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप एक प्रकार से पंगू बन जाएंगे क्योंकि तो आप नए हैं खाना कहां खाने के लिए जाना पता नहीं है पार्लियामेंट जाना कैसे जाना वो कहते हैं चिंता मत करो मैं तीन चार पांच दिन में तो आपकी मनुष्य का स्वभाव है ऐसी दोस्ती हो जाती है फिर करता है यार इसको कहा निकालो और एक दो साल के बाद पता चलता है ये तो बड़ा खिलाड़ी है और इस खेल के खे, अंदर आपका बर्बादी हो गई कृपा करके ये जो सेवा भावी लोग आते हैं ना उनकी सेवा से मुक्त रहिए जी <laughs> जब पुराने उन सबको मालूम है कैसे कैसे लोग जाते हैं और है। पुराने भी आपको कहे कि मेरा अच्छा है मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ा हूं या मैं हार गया हूं इसको तुम देख लो बहुत काम करेगा बिल्कुल किसी को हाथ मत लगाओ जी आप अपने इलाके की योग्यता के लोग आप खुद चुनिए जिन पर आपका पिछले 10-15 साल का अनुभव हो अदरवाइज ऐसी एक व्यवस्था दिल्ली में है जी वो अच्छो अच्छो को फंसा देती है और बर्बादी का कारण बन जाती है और इन चीजों से हमको बचना है और मैं जानता हूं देश से सुनता होगा लेकिन सच बातें बता देनी पड़ती है भाई क्या करे अब बाहर कल क्या कर चल रहा हूं ब... चिंता में मैं किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद नहीं होने दे सकता हूं और इसलिए मैं आपको कहता हूं एक बात वीआईपी कल्चर देखिए देश को बहुत नफरत है आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पे अब हम एमपी बन गए वो चेक करता है तो हमको बुरा लगता है यार मैं एमपी पी हूं और मेरा चेकिंग क्यों नहीं होना चाहिए चेकिंग जी? हम नागरिक है कतार में क्यों नहीं रहना खड़े रहना चाहिए ये चीजें मैं आज क्यों कह रहा हूं आपको बुरा लगेगा अच्छा लगेगा मैं नहीं जानता हूं लेकिन अब देश और वहां पचास मोबाइल फोन से फोटो निकालते रहते हैं और फिर सोशल मीडिया में आ जाए तो आप यार ये किसने कर दिया किसने कर दिया फिर आपको क्या गलत किया उसमें चिंता नहीं दे किसने किए उसे पीछे आप समय बर्बाद करते हो मैं चाहता हूं दोस्तों युग बदल चुका है जनता जनार्दन बहुत सतर्क है सचेत है हमें उसको ध्यान में रख करके अपने आप को बदलना है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं अपने आप को बदल देना चाहिए लाल लाइट हटाना कोई इसमें इकोनॉमी पैसे कोई बजट कुछ नहीं था लेकिन देश में एक मैसेज गया कि हाँ ये 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 लाल लाइट का जो नशा है ना ये मोदी जी ने अच्छा क्या उतार दिया सामान्य मानवी के मन में इन चीजों का असर है जी हम जितना सामान्य मानवी आप हमारे मनोहर परिकर जी की तो पहचान यही थी पहचान यही थी और वो अपने आप में एक बड़ी ताकत थी बहुत बड़ी ताकत थी मैं समझता हूं कि बहुत सी चीजें हैं जो अच्छाई से जो लोगों ने किया है और वी कल्चर से हम जितना बच सकते हैं हमने बचना चाहिए साथियों हम एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी पर आए हैं हम पर दायित्व तो बहुत बड़ा है क्षेत्र के काम एक हैं लेकिन आप एमपी हिंदुस्तान के हैं देश के हैं भारत के हैं आपको केरल की भी चिंता करनी है कश्मीर की भी चिंता करनी है सिर्फ अपने क्षेत्र की या अपने राज्य की नहीं अपने आप को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से डेवलप करना होता है आपको कई निर्णय करने आते हैं आप लॉ मेकर हैं और मैं मानता हूं कि हम कुछ भी करें तब उन कसौटियों से हम खड़े हैं वो देखते रहिए तो गलतियां कम से कम होगी गलतियां नहीं होगी मैं कह नहीं सकता हूं कि हम मनुष्य हैं मुझसे भी होती है लेकिन कम से कम होगी एक महात्मा गांधी ने बहुत सरल रास्ता दिखाया है महात्मा गांधी ने सरल रास्ता ये दिखाया है कि आप कोई भी निर्णय करो आप उलझन में हो दुविधा में हो तो पल भर के लिए आखिरी छोर पर खड़े हुए आखिरी इंसान को याद कीजिए और सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो उसका भला करेगा कि नहीं करेगा गांधी दीनदयाल और लोहिया इन तीन महापुरुषों की विचारधारा से पले बड़े लोग आज हिंदुस्तान की राजनीति पर प्रभाव पैदा कर रहे हैं किसी भी दल में क्यों ना हो लेकिन मुख्यतः इन तीन विचारधाराओं से निकले हुए लोग हैं इन तीन में सेंट्रल आइडिया यही है गांधी हो दीनदयाल हो लोहिया हो और दूसरी कसौटी है बाबा साहब आंबेडकर की तपस्या का जिस पर छाया है वो हमारा संविधान है बाबा साहब आम्बेडकर की उस तपस्या का उसके अंदर अर्क है उसको हम मैं भारत के संविधान के अनुरूप कदम उठा रहा हूं नहीं उठा रहा हूं अगर दो हमारे कसौटी के माध्यम होंगे मैं नहीं मानता हूं कि इस देश को एज ए इंडिविजुअल कभी कोई शिकायत का कारण बनेगा कभी दल के रूप में नहीं बनेगा कभी सरकार के रूप में नहीं बनेगा और इसलिए मेरा आज आग्रह रहेगा कि हम हमारे कसौटी के इन मानदंडों को लेकर के हम चले और जनसेवा प्रभु सेवा के काम को लेकर के 2014 में इसी जगह पर से मैंने एक भाषण किया था मैं नया था इस सदन में भी एमपी के रूप में पहली बार आया था उस समय भी एनडीए के सब साथियों ने मुझे नेता चुना था और उस समय मैंने कहा था मेरा कोई ज्यादा अनुभव तो नहीं था मैं देश को मैं क्या दे सकता हूं क्या कर सकता हूं उतना कोई ज्यादा समझ के साथ आया नहीं था लेकिन उस बार मेरे भीतर से एक आवाज उठी थी और आवाज को मैंने कहा था कि मेरी सरकार इस देश के दलित हो पीड़ित हो शोषित हो वंचित हो आदिवासी हो गरीब हो उनको समर्पित है और आज जिस जगह पर भारत के संविधान का निर्माण हुआ था जिस जगह पर कभी बाबा साहब आम्बेडकर बैठे थे जहां पंडित नेहरू बैठे थे जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे उस सदन में बैठ मैं खड़े होकर के फिर से कहना चाहता हूं कि पांच साल उस मूलभूत बात जो हृदय से निकली थी हमने एक पल एक पल उससे अपने आप को ओझल नहीं होने दिया न डायल्यूजन आया न डायवर्जन आया हम उस उस फोकस को लेकर के चलते रहे और एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि 2014 से 2019 प्रमुख रूप से हमने गरीबों के लिए सरकार चलाई और आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 2019 में ये सरकार देश के गरीबों ने बनाई हमारे देश में गरीब एक राजनीतिक संवाद विवाद का ही विषय रहा एक फैशन का हिस्सा बन गया एक ब्रह्मझाल में गरीब रहा पांच साल के कार्यकाल में हम कह सकते हैं कि हमने ये जो ब्रह्मझाल थी ये जो घनघोर बादल थे पर से हमने छेद करने में सफलता पाई है गरीबों के साथ जो छल चल, चल रहा था उस छल में हमने छेद किया है और हम सीधे गरीब के पास पहुंचे करें तो उसका हक बनता है उसके इस हक के लिए हम जीना हमें जीना है उसके हक के लिए हमें जूझना है उसके हक के लिए हमने अपना जीवन खपाना है और मुझे विश्वास है कि मुझे ऐसे साथी मिले हैं कि जो देश की इस जिम्मेवारी को निभाने में कोई कमी नहीं रखेंगे यह मेरा विश्वास है जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है उसे भयभीत रखा गया है अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा एक काल्पनिक भय एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला 2019 में आज मैं जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है हमें विश्वास जीतना है अठारह का स्वातंत्र संग्राम इस देश की हर कोम हर जात हर पंथ कंधे से कंधा मिलाकर के अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ लर करके आजादी का बिगुल बजाया अठारह था, सौ आज जब हम आजादी के पचहत्तर साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं तब देश की एकता और अखंडता के लिए भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व तो बनता है अठारह सौ सत्तावन के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें और उस समय अठारह में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिला करके लड़े थे अब सुराज्य के लिए लड़ना है गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है कंधे से कंधा मिला करके लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है ये भय डर काल्पनिक जो चीजें बनाई हैं, उसमें छेद करना हम सबके जीवन और आचरण और हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए एक बहुत बड़ी दायित्व है उस दायित्व को हमें निभाना है देश ने हमें और जैसा मैंने कहा जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं जो हमारा गौर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए हमारे लिए कोई वेद नहीं हो सकता है और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है जिस पर बाबा साहब आम्बेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है और इसलिए उसकी साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि इस देश के सभी वर्गों को और पुराने तरीके से काम नहीं आएंगे जी वो तरीके उनको मंजूर है हमें तो एकमात्र मार्ग हम सबने मिलकर के इक्कीसवीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है कोई पीछे नहीं रहना चाहिए कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए पंथ के आधार पर जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है और इस छल को छेद करना है जी ये उनको हम हैंडओवर करके बैठे रहे ये मुझे मंजूर नहीं है अब हम चुप रहते हैं इसी का फायदा उठा रहे हैं और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास ये हमारा मंत्र है दो आजादी का आंदोलन के 75 साल होंगे हम एक ऐसे कालखंड में इस देश का नेतृत्व करने का हम लोगों को अवसर मिला है जब 2019 गांधी 150 और 2022 भारत पचहत्तर और 550 गुरु नानक देव जी के यानी कि ऐसा अद्भुत संयोग है यह कालखंड का हम उसे प्रेरणा प्राप्त करके अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बल देकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जन भागीदारी के साथ चल सकते हैं क्या हम भी संकल्प कर सकते हैं कि भाई हां जिस आजादी के कारण मैं आज यहां पहुंचा हूं उस आजादी के लिए जिन्होंने त्याग और तपस्या की है मैं भी वो स्वराज्य के लिए मरे थे मैं स्वराज्य के लिए बलिदान दूंगा मेरी तरफ से मैं भी कुछ त्याग करूंगा मैं भी कुछ छोड़ूंगा हर साल हिन्दुस्तान के 130 करोड़ नागरिक तय करें कि मेरे लिए ये संकल्प होगा मैं ये करूंगा हमें आंदोलन खड़ा करना है जन भागीदारी से चलना है और आज अवसर है कि हम इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं हम देश में एक स्थिति को पैदा कर सकते हैं और देश के जन सामान्य को हम जोड़ करके स्वच्छता कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि स्वच्छता का जन आंदोलन बन सकता है अगर स्वच्छता जन आंदोलन बन सकता है तो भार भारत समृद्ध भारत भी जन आंदोलन बन सकता है तो समृद्ध भारत के सपने को और इंक्रीमेंट होता रहेगा होता रहेगा दुनिया इंतजार नहीं कर सकती है और न ही देशवासी इंतजार करेगा हमें जितना हो सके उतना जल्दी करना है बाकी तो कोई भी सरकार आएगी कोई खराब करने के लिए थोड़ी सरकार आती कुछ तो करते ही है लेकिन हम कुछ तो करने के लिए नहीं आए हम बहुत कुछ करने के लिए आए और इसलिए उस भाव को पकड़ करके हम चलते हैं तो आजादी के पचहत्तर साल वो अपने वा, एक वातावरण बनाना बना अठारह सौ सत्तावन का स्पिरिच जैसे देश की एकता के लिए आवश्यक है वैसे ही 1942 टू तो टू वो पांच साल का स्मरण कीजिए एक तरफ क्रांतिकारियों के बलिदानों की श्रृंखला भगत सिंह सहित अनेक महापुरुषों का फांसी के तख्त पर चढ़ जाना वीर सावरकर जैसे अनेक महापुरुषों का अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी जवानी गुजार देना भक्ति आंदोलन की पीठी का और 42 टू तो 47 एक व्यापक जन आंदोलन हिंदुस्तान का हर नागरिक एक प्रकार से आजादी का सिपाही बन गया था कोई झाड़ू भी लगाता था तो कहता था कि मैं देश की आजादी के लिए झाड़ू लगा रहा हूं कोई किसी को खादी पहनने के, के लिए कहता था तो भारत की आजादी के लिए पहनता था कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करूंगा कहता था तो मन में संकल्प कर करता था, मैं मेरे देश की आजादी के लिए कर रहा हूं फोर्टी टू टू फोर्टी सेवन का जो स्पिरिट था हिंदुस्तान का जन, जन जन जिस प्रकार से खड़ा हो गया था हमें दो हजार उन्नीस से दो हजार चौबीस और दो हजार बाईस को प्रेरणा का बिंदु मान करके प्रेरणा की एक बहुत बड़ी ज्योति समझ करके आजादी के पचहत्तर साल को स्मरण करते हुए हम उस पीरियड को फिर से पैदा करें फोर्टी टू टू फोर्टी सेवन वाला और उस पीरियड को लेकर के स्वराज्य के लिए जो वातावरण था वो स्वराज्य के लिए कैसे बने समृद्ध भारत के लिए कैसे बने और हम लंबे अरसे तक डेवलपिंग कंट्रीज के टैग के साथ जीना मंजूर नहीं है अगर 21वीं सदी एशिया की सदी है तो 21वीं सदी भारत की सदी बने ये हम लोगों का राइट है हमारे यहां बात है जो भी लोग हमारे समर्थक मिलते हैं वो कहते हैं कि साहब बहुत बड़ा जनादेश मिला है लेकिन जनता की अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है स्वाभाविक भी, भी है कुछ लोगों को अपेक्षाओं से डर लगता है मैं अपेक्षाओं को और अधिक प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहता हूं क्योंकि जिस समाज में एस्पिरेशन नहीं होते हैं ना वो समाज कभी कुछ नहीं कर सकता है एस्पिरेशन के बिना की सोसाइटी हो ही नहीं सकती समाज में एस्पिरेशन होने चाहिए उमंग उत्साह उसके साथ जुड़ना चाहिए और भारत घोर निरा, निराशय में से बाहर निकल तक करके आशा और विश्वास से आगे बढ़ करके अब एस्पिरेशनल सोसाइटी के रूप में उसने जगह बना ली है यह एक उज्जवल पल है जब जन सामान्य के भीतर एक्पीरेशन होते हैं तो हम थोड़ा सा भी सहारा दे दें उस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए अपने आप को खपा देता है और उसका क्यूमिटी इफेक्ट देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है और इसलिए 21वीं सदी भारत की सदी और जैसे कहते हैं हिंदुस्तान में बहुत अपेक्षाएं हैं मैं दुनिया के लोगों के बड़े निकट संपर्क में रहा इन तीन दिनों में भी विश्व के जिन नेताओं से मेरी बातें हुई है एक प्रकार से सभी प्रमुख नेताओं से बात हुई है उनकी बातों से झलकता है कि भारत भारत के नागरिकों की हमारे से अपेक्षा है इतना ही नहीं अब दुनिया की भारत से बहुत अपेक्षाएं विश्व एक ऐसे ट्राइंगल पर आकर के खड़ा हुआ है जिसमें विश्व की भारत के पास बहुत अपेक्षाएं हैं विश्व की भारत के पास अपेक्षाओं की पूर्ति का केंद्र बिंदु भारत के बाहर नहीं हो सकता है सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशन से नहीं हो सकता है उस अपेक्षाओं की पूर्ति भारत की समृद्धि में है भारत के सशक्तिकरण में है भारत के सामर्थ्य में है और इसलिए विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी हमने भारत को सामर्थ्य बनावान बनाना ये वसुधैव कम के मंत्र को सार्थक करने के लिए पहली आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम अगर देखेंगे मैं मानता हूं कि विश्व जब हमसे अपेक्षा कर रहा है तो हमने इसको पूरा करने की दिशा हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए देश हमसे अपेक्षा कर रहा है दुनिया हमसे अपेक्षा कर रही है लोकतांत्रिक शक्ति के लिए भारत आज एक बहुत बड़ी आशा का किरण बना हुआ है और जब विश्व की लोकतांत्रिक शक्तियां भारत की तरफ बड़ी आशा के साथ देखती हैं तब लोकतांत्रिक परंपराओं को समर्पित भारत के सम एक करोड़ नागरिक और उनके द्वारा चुने हुए हम जनप्रतिनिधि उन आशा अपेक्षाओं के लिए खरे उतरने के लिए अपने आप को भी सज्ज करेंगे अपने आप को भी योग्य बनाएंगे और उस योग्यता के साथ हम आगे बढ़ेंगे मुझे विश्वास है कि दुनिया हमें हमसे जो सपने लेकर के हमसे अपेक्षाएं रखती है उन अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे भारत के सामान्य मानवीय ने, मान ने हमसे जो आशा अपेक्षा की है उसको पूर्ण करने में देश दो चीजें कम रह जाए देश कभी हमसे नाराज नहीं होता है ये मान के चलिए उसको विश्वास होना चाहिए कि हमने जो कहा था उस दिशा में हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं हमारा समय का पल पल हमारी शक्ति का पूरा सामर्थ्य इस काम के लिए लगे आप सबने मुझे दायित्व तो दिया है लेकिन ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि मोदी जी बाद आपको बिठा दिया आप करके दिखाओ जी नहीं यह हमारी संयुक्त जिम्मेवारी है सामूहिक जिम्मेवारी है और मैं भी आप में से एक हूं अगर कोई चोट पहुंचेगी तो झेलने की जिम्मेवारी मेरी है अगर सारी सफलता का यश लेना है तो उसके हकदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं उसी भाव के साथ हमें एक टीम बनकर के देश की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अपने आप को योग्य करें हमारा शक्ति और समय लगाएं और भारत के संविधान यही हमारे लिए सर्वोपरि है हमारे लिए घर में हमारा कोई भी पूजा घर हो कोई भी पूजा पद्धति हो लेकिन हम निकलते ही भारत माता से बड़ा हमारा कोई इष्ट देवता नहीं हो सकता है वही हमारा इष्ट देवता है उसी इष्ट देवता के लिए और एक सौ तीस करोड़ देवी देवता के रूप में जो हमारा समाज व्यवस्था है उसके प्रति उसी भाव के साथ समर्पित भाव से हम काम करें मुझे विश्वास है कि आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है मुझ पर आशीर्वाद भी बने रहे बड़ों के और मैं भी अपनी क्षमताओं को योग्यता को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के एक साथी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता रहूंगा यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं तो फिर एक बार आज इस सदन में नेता चुनने के बाद देशवासियों को भी हमें जो जिम्मेवारी दी है इसके लिए मैं देश के सभी नागरिकों का पूर्वक सर झुका करके नमन करते हुए धन्यवाद करता हूं और देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा ये मैं विश्वास के साथ फिर अपनी बात करता हूँ मैं फिर एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सभी वरिष्ठ जनों का आभार व्यक्त करता हूँ इतने लंबे समय की साधना का परिणाम है कि देश का हम विश्वास जीत पाए हैं इस विश्वास की पूर्ति के योग्य हमें ईश्वर बनाए जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है हमें वो शक्ति दे उसी को हम पूर्ण करते हुए चले मैं फिर एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ